God. I know it's a little harsh, but I think these kind of people need to be brought out in public and lynched. तो जया बच्चन कह रही है कि ऐसे लोगों को तो सड़कों पर इनकी लिंचिंग कर देनी चाहिए, और कोई तरीका है ही नहीं। अब हम आपको जया बच्चन का एक और पुराना बयान दिखाते हैं। ये बात है कब की, 2012 की। हम आपको दिखाएंगे वो बयान जब उन्होंने 2012 में निर्भया को लेकर क्या कहा था। 2012 में भी उनके बयान वही थे, 2019 में भी वैसे ही बयान है, बयान भी वैसे ही है, और हमारे देश में स्थिति भी वैसे ही है। ये देखिए, दिल्ली में हुआ था। पूरा देश ऐसे ही गुस्से में था जैसे आज है, और जया बच्चन ऐसे ही नाराज थी जैसे आज नाराज थी संसद में। और तब उन्होंने ये कहा कि अब हम ऐसा नहीं होने देंगे, अब हमें आगे ऐसा नहीं होने देना चाहिए। सब लोगों ने कसमें खाई कि अब हम ये सब रोक देंगे, और ऐसा लगा उस समय कि देश जागरूक हो चुका है, अब बलात्कार रुक जाएंगे। लेकिन सोचिए, वैसा कुछ नहीं हुआ। बयान वैसे के वैसे ही हैं, रिएक्शन जो आपको मिलते हैं वैसे वैसे ही हैं, और बलात्कार आपको शायद हैरानी होगी जानकर कि अब हमारे देश में 2012 के मुकाबले और ज्यादा बलात्कार होते हैं। हमारे देश में सड़कें सुरक्षित हैं, उन पर चलने वाले वाहनों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। दुनिया के कुल वाहनों में से सिर्फ 1% पूरी दुनिया के वाहनों में से भारत में, जबकि दुनिया में होने वाली कुल सड़क दुर्घटनाओं में भारत की हिस्सेदारी 6% है। सड़क पर 64% मौतें ओवर स्पीडिंग की वजह से होती है, जबकि करीब 9 बजे सोनी पर तूफान कभी बकबका कर नहीं आया, पर माया की नफरत का तूफान बकबका कर आ रहा है। तूफान कभी बकबका कर नहीं आया, पर माया की नफरत।